साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं, अगर जो पुराने होंगे उनको सभी को पता होगा कि हम दो तरह का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आते हैं। पहला वो वीडियो ना जिसमें हम अपना जॉब करते हैं, यानी कि BRC से रिलेटेड, यानी कि स्कूल से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन वर्क आता है, विभाग के द्वारा दिया जाता है ई विद्यावाहिनी में, चाहे और भी काम जो ऑनलाइन होता है, तो उसको हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं कि इसको किस तरह से अपलोड करना है, क्योंकि खुद हम BRC में रहते हैं। और दूसरा वो वीडियो ना जो बच्चों से रिलेटेड होता है, जो मैट्रिक से रिलेटेड होता है, 9th क्लास से रिलेटेड होता है, 11th क्लास से रिलेटेड होता है और 12th क्लास से रिलेटेड होता है, क्योंकि पार्ट टाइम में हम अपना ट्यूशन का भी काम करते हैं, एक अपना मॉडल सेट निकालते हैं, श्री साई मॉडल सेट। तो अपने YouTube चैनल पर दो तरह के हम वीडियो अपलोड करते हैं और लेकर के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल मैट्रिक और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो हम लेकर के आए हैं। और बहुत ही माने इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जो विद्यार्थी जो है, जो मैट्रिक क्लास के जो विद्यार्थी हैं और 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल असमंजस में पड़े हुए हैं कि उनका परीक्षा आखिर कब होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक का जो परीक्षा होना था, चाहे 12th क्लास का जो परीक्षा होना था, 11th क्लास का जो परीक्षा होना था, और जो 9th क्लास का जो परीक्षा होना था, चाहे फिर कहें तो 8th क्लास के जो परीक्षा होना था, उसका शेड्यूल जैक बोर्ड द्वारा पहले ही एक महीना पहले जारी कर दिया गया था कि मैट्रिक का जो परीक्षा होगा, 12th का जो परीक्षा होगा वह दिसंबर में होगा और 7 और 9 तारीख को होगा। पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी पड़ा था, लेकिन उसका लेटर भी निकला हुआ था कि मैट्रिक और 12th क्लास के विद्यार्थी के लिए फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो होगा वह दिसंबर में होगा। लेकिन ये दिसंबर प्रारंभ भी हो गया, अब खत्म होने के कगार पर भी है, कहें तो आज 9 तारीख हो गया और शेड्यूल के अनुसार 1 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में परीक्षा लेना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा इस वर्ष से नया सिस्टम लागू किया गया था कि 2 टर्म में परीक्षा होगा, 1 टर्म फर्स्ट टर्म में होगा दिसंबर में और 2nd टर्म जो होगा अप्रैल मई में होगा। और ये भी शेड्यूल जारी किया गया था कि आपका जो एग्जाम जो होने वाला है फर्स्ट टर्म, यह 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में हो जाएगा, यह भी बताया गया था। लेकिन परेशानी है विद्यार्थियों के सामने खड़ा हो गया है कि अब दिसंबर जो 7 और 9 तारीख है, या तो कहें तो 15 तारीख गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक मैट्रिक के चाहे 12 के विद्यार्थियों को यह पता नहीं है कि उनका एग्जाम कब होगा ना, कब होगा, क्योंकि उनका अभी तक ना एडमिट कार्ड के पता है और न ही परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी उनको मिल पा रहा है कि कब उनका परीक्षा लिया जाएगा। इस स्थिति में मैट्रिक और 12 के विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि वो फर्स्ट टर्म की परीक्षा की तैयारी करें कि 2nd टर्म की परीक्षा की तैयारी करें। उसका कारण है कि जैक बोर्ड पहले ही जारी कर दिया है कि 2 टर्म में परीक्षा होगा, उसका सिलेबस भी 50-50% डिवाइड कर दिया गया है। अब हो क्या रहा है कि मैट्रिक के विद्यार्थी चाहे 12 के विद्यार्थी सोच में पड़ गए हैं कि पहला टर्म वाला की तैयारी करें कि 2nd टर्म वाला की, क्योंकि पहला टर्म का जो परीक्षा का जो डेट है जो दिया गया था लेटर के अनुसार जैक बोर्ड के द्वारा वह 15 तक ही था। अब 15 खत्म भी होने वाला है, अभी तक एडमिट कार्ड के पता नहीं है, परीक्षा के पता नहीं है, तो वो पहला टर्म का एग्जाम की तैयारी करे कि 2रा टर्म के। तो आज यही सब वीडियो में इस वीडियो में यही सब जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के विद्यार्थी, 11 के विद्यार्थी, 12 के विद्यार्थी या गार्जियन या जो भी शिक्षक भी होंगे, एक बार इस वीडियो को मेरा ध्यान से देखें कि आखिर कब एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जो भी हम बात बताते हैं पूरा सबूत और समझने के बाद ही अपने YouTube चैनल पर हम अपलोड करते हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी को झांसा में ना रखा जाए। आखिर उनको अगर सही जानकारी अगर हम लोग नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा। इसलिए ये जो हम अपने YouTube चैनल पर हैं, आज हम परीक्षा से रिलेटेड ना जानकारी हम अपने YouTube चैनल पर लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग देखें, अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पहले ही बताया कि 2 तरह के मेरे पास मेरे YouTube चैनल पर वीडियो बनता है, एक स्कूल से रिलेटेड और एक पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि मैट्रिक के 12th 11th के विद्यार्थियों के परीक्षा से रिलेटेड ना। तो देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से आप लोग देखिए और जरूर शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम स्पेशल इस पर ऑनलाइन कभी कभी क्लास भी हम मैट्रिक और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेते रहते हैं, इसका जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए आज के पेपर में जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हिंदुस्तान पेपर जो कि झारखंड में कहें तो एक नामी पेपर है, यह कोई भी गलत रिपोर्ट छापता नहीं है, उसी के द्वारा निकाला गया है
कि दसवीं और बारहवीं टर्म वन की परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बावजूद परीक्षा प्रक्रिया रुकी हुई है। कहने का मतलब है, जो अभी हम बात बता रहे थे कि आपका ये जो परीक्षा का जो शेड्यूल है पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं है कि कब परीक्षा होगा। बेचारे विद्यार्थी लोग बिल्कुल एकदम दुविधा में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या करें। आखिर पहला टर्म का जो डेट था वो खत्म होने वाला है, अब सेकेंड टर्म के परीक्षा की तैयारी आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा। इसका मेन कारण क्या है, आप लोग जानते भी होंगे, इस पेपर में भी पढ़े होंगे कि जैक सचिव को मिलेगा परीक्षा लेने का अधिकार। अभी तक जैक सचिव, जो जैक सचिव होते हैं इससे ऊपर भी एक जैक सचिव के एक अध्यक्ष भी होते हैं जैक बोर्ड में, वो ही नहीं थे तो उनके बदला में इनको नियुक्त किया गया था। मतलब ये तो सचिव रहते ही हैं, लेकिन उनका जितना भी वित्तीय प्रभार था वो दो तीन दिन पहले ही दे दिया गया इनको, लेकिन अभी तक इनको परीक्षा वाला जो प्रभार है वो अभी तक इनको मिला नहीं है। और शायद इन्हीं को मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला है, क्या कीजिएगा। ये तो हमारा झारखंड का स्थिति है, लेकिन फिर भी इसी में हमको देखना है और समझना है, ठीक है ना। क्योंकि जैक के जो सचिव हैं उनको अभी तक परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, खुद देखिए हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है, हम अपना मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और जब तक परीक्षा लेने का इनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक परीक्षा से संबंधित कोई काम, जो मेन काम है, जैसे कि मेन काम क्या है, मेन काम है आपको परीक्षा क्वेश्चन कॉपी छपवाना। आखिर परीक्षा होगा तो किस चीज़ पर होगा, परीक्षा कॉपी क्या बोलते हैं ओएमआर सीट पर होना है, परीक्षा का कॉपी छपना है, तो छपेगा कब, जब इनको प्रभार और अधिकार मिलेगा तब। तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या पेपर में लिखा हुआ है, हम आपको पेपर के माध्यम से ही समझाने वाले हैं, विशेष बात तो आप खुद समझ रहे होंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में अध्यक्ष का पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी है। अभी तैयारी चल रहा है और अधिकार मिल गया है, जैसे कि मानदेय वगैरह जैक में जो कर्मी लोग हैं उनका वेतन मानदेय वगैरह भुगतान अब हो रहा है, लेकिन अभी तक परीक्षा के लिए अभी तक इनको अधिकार नहीं मिला है। यह वीडियो को आपको देखने के बाद खुद पता चल जाएगा कि आप सेकंड टर्म की तैयारी करें कि फर्स्ट टर्म की तैयारी आप कीजिएगा कि क्या कीजिएगा। तो ये चीज़ हम आप इस पेपर के माध्यम से और अपने से भी खुद हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। मैट्रिक के विद्यार्थी, ट्वेल्थ के विद्यार्थी, चाहे जो पेरेंट्स हैं वो भी एक बार समझ लें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य की बात है, ठीक है। ध्यान दीजिए, लेने का अधिकार देने की तैयारी है, अगले एक दो दिन में जैक के सचिव को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। एक दो दिन में हो सकता है कि जैक को इसका जिम्मेवारी सौंपा जाए, किसका जिम्मेवारी, परीक्षा लेने की जिम्मेवारी, ठीक है ना। परीक्षा लेने से लेकर प्रश्न पत्र तैयार करने छपवाने के गोपनीय कार्य के लिए जैक अध्यक्ष के पास अधिकार है। इसका अधिकार, परीक्षा लेने का अधिकार वाला जो भी छपने वाला काम होता है वो जैक अध्यक्ष के पास होता था, लेकिन वो है नहीं, उनका पद खाली है, तो अब इनको दिया जाएगा अधिकार। बिना उनकी अनुमति के कार्य शुरू नहीं हो सकते, ऐसे में जब अध्यक्ष नहीं है तो परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार जैक सचिव को दिया जा सकेगा। माने कहने का मतलब उनका पद खाली है तो भाई कोई ना कोई तो करेगा तब ना एग्जाम होगा, इसलिए उनको अधिकार दिया जाएगा। आगे देखिए आगे क्या पेपर में लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 15 दिसंबर तक 10वीं 12वीं के पहले टर्म की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था, जो हम आपको बता रहे थे कि 15 दिसंबर तक हर हाल में हो जाएगा। अब बताइए, आप ही लोग सोचिए कि कैसे एग्जाम हो जाएगा, अभी तक ना कॉपी छपा है ना क्वेश्चन छपा है, कैसे एग्जाम हो जाएगा 15 दिसंबर तक, आज 9 दिसंबर हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कब तक आखिर आप लोगों का एग्जाम होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि हो सकता है कि जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा होना है, ऐसे में छात्र हित के लिए राज्य सरकार अध्यक्ष के नहीं रहने पर यह अधिकार जैक के सचिव को देने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार इस पर गंभीर है, समय पर परीक्षा हो और इससे विलंब न हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तक परीक्षा लेने का अधिकार जैक को दिया जाएगा, यानी कि 100 बात की एक बात, अभी जैक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होगा, उनका अधिकार जो है किसको दिया जाएगा, तो सचिव को दिया जाएगा, इसके बाद ही एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज दिया हुआ है। आगे यहाँ पे है, बिल्कुल दुविधा में पड़े हुए हैं कि वो क्या करें, रिवीजन करें या करें अगली तैयारी, कि विद्यार्थी जो है पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी करें कि अगले परीक्षा की तैयारी करें ना। मैट्रिक और इंटर की छात्र छात्रा असमंजस में पड़े हुए हैं,
ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, परीक्षा कभी भी हो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। और ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म यानी कि जो सेकेंड टर्म में जो परीक्षा होना है, बिल्कुल उसका अभी टेंशन ना लें। अगर आप लोग ये फर्स्ट टर्म को छोड़ करके अगला टर्म के एग्जाम में लग जाइएगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला के जब डेट बढ़ सकता है तो अगला वाला को भी डेट बढ़ सकता है। अगर बोला गया है कि अप्रैल मई में होगा, हो सकता है कि जून जुलाई में हो, लेकिन ये जो है परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म का जो परीक्षा होने वाला है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों को परीक्षा का रिजल्ट जोड़ करके निकाला जाएगा। इसलिए आप लोग अगर मेरा बात को माने तो आप लोग बिल्कुल सेकेंड टर्म के परीक्षा का टेंशन ना लें, अगला जो परीक्षा होना है उसका अगला का तैयारी ना करें, आप इसी को बिल्कुल रिवाइज करें, क्योंकि ये जो है आपके पास बहुत कम इसका समय मिला था और ये भी 40 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें और उसमें भी, है ना। और इसमें और आपको ज़्यादा टेंशन इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका बुक में इसका क्वेश्चन का बहुवैकल्पिक क्वेश्चन का जो मॉडल है वो बना हुआ नहीं है, बल्कि मॉडल सेट जारी किया गया है जैक बोर्ड से, 5 मॉडल सेट, वो 5ों मॉडल सेट से आप लोग जमकर तैयारी करें। अगर टोटल क्वेश्चन आंसर याद हो जाता है तो बिल्कुल उसी चैप्टर से जो फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर से आने वाला है उसी चैप्टर को खूब रिवाइज करें। आपको हम ये बता दें कि हम जैक बोर्ड द्वारा जो जारी सभी मॉडल सेट का एक किताब भी बनाए हुए हैं, इसका पीडीएफ भी बनाए हुए हैं, आप उस पीडीएफ से उसको पढ़ें। हम हमेशा समय समय पर, एक दिन दो दिन पर हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं जिसमें झारखंड के 250 से 300 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और हज़ारों विद्यार्थी हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी संपर्क में जुड़े हुए हैं। तो आप पूरा जमकर जबरदस्त तरीका से बिना सोचे समझे जैक अध्यक्ष कब चयन होंगे, जैक के अध्यक्ष क्या बोलते हैं सचिव को कब प्रभार मिलेगा, कब परीक्षा होगा, इस सब को आप एकदम साइड में रख दीजिए। आपको जो बोला गया है, कहने का मेरा मतलब है 5ों जो मॉडल सेट है बस उसी से बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अगर उसका टोटल क्वेश्चन आंसर अगर आप याद कर लिए हैं तो आप अपना बुक से तैयारी कीजिए। इसके अलावा मैथ और साइंस का हम अलग से भी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन का कम से कम 500-500 प्रश्न हम अपने पास पीडीएफ बना करके रखे हैं और ऑनलाइन उसको हम शेयर भी कर रहे हैं, उसको मंगा करके आप लोग तैयारी कीजिए। और नहीं तो जो जो सिलेबस में आना है उसी को, चैप्टर को, एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से पढ़िए, ताकि आप इसमें कल किसने देखा है, सेकेंड टर्म के एग्जाम के पीछे हम क्यों रहेंगे, हो सकता है कि कोरोना बढ़ जाए और उसका एग्जाम ना हो, इसलिए उस पर नहीं ध्यान देना है। अभी आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। और 100 बात की एक बात कि आप लोगों का परीक्षा हम फाइनल बता रहे हैं कि आप लोगों को जनवरी में ही परीक्षा होगा। कब होगा? जनवरी में होगा, लेकिन ये फाइनल हम डेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका डेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन जनवरी में ही आप लोगों का परीक्षा होगा। तो आप लोगों के पास टाइम मिल गया है, बिल्कुल इसका जमकर तैयारी करें और बढ़िया से तैयारी करें और आप लोग बढ़िया नंबर लाएँ। अगर आपको ये मेरा सजेशन, आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं किए होंगे तो, और बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी, पढ़ाई से संबंधित जानकारी आपको दें तो आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 100 बात की एक बात कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा से बात नहीं है, एग्ज़ाम होगा, जनवरी में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये मेरा जानकारी कैसा लगा? बहुत स्टूडेंट हमसे कॉल करके व्हाट्सअप से पूछ रहे थे कि सर आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की चिंता नहीं करना है, एग्ज़ाम मान के चलिए कि जनवरी में होगा, आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, या फिर दिसंबर में भी होगा तो 25 दिसंबर के बाद होगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कम से कम 10-10 स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कहीं भी पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी, ऑनलाइन ग्रुप चलता है, उसमें आप लोग जुड़ें ना, हम उसमें बहुत अच्छा अच्छा जानकारी देते रहते हैं। मेरा साई मॉडल सेट बुक निकला हुआ है, उससे भी आप लोग तैयारी करें, बहुत ही बिजोड़ और शानदार तरीका से उसको हम सेट किए हैं। और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो होना है उसका बिल्कुल टेंशन आप लोग छोड़ दें। अभी जो सामने है उस पर आप
दिमाग लगाएं और उसी के बारे में सोचें और परीक्षा का डेट के बारे में भी नहीं सोचें, बिल्कुल आप तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं कि परीक्षा कब होगा नहीं होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि हमको पूरा तैयारी कर लेना है। जब परीक्षा होगा, जब परीक्षा होगा उस दिन हम बैठेंगे और डेढ़ घंटा में आपको जो टाइम मिलेगा उसके जगह पर आप 10 मिनट में बना लीजिएगा, ये सोच लीजिए।